हेलो फ्रेंड्स, मैं मंदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में फैब्रिक लटकन का वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, मेन फैब्रिक है और ये अस्तर का कपड़ा है। तो यहाँ पर मैंने एक अस्तर का पीस लिया है और एक मेन फैब्रिक का पीस लिया है। अगर आप चाहें तो दोनों मेन फैब्रिक का पीस आप ले सकते हैं। तो ये फैब्रिक के जो पीस मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं, इनकी लंबाई चौड़ाई 4.5 इंच है, 4.5 इंच। ये देखिए 4.5 इंच की लेंथ और विड्थ में स्क्वायर पीसेस में आपको इसे कट कर लेना है। इसके बाद हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो चारों तरफ से इस पर सिलाई लगाकर आपको इसे पैक कर देना है। ये देखिए, तो इस तरीके से हम चारों तरफ से इस पर सिलाई लगाकर इसे पैक कर देंगे। अच्छे से फिनिशिंग के साथ कॉर्नर्स को बनाते हुए आपको बारीक टाके से यहाँ पर सिलाई लगानी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक जो निकल रहा है उसे आपको कट कर देना है। मैंने हल्का सा मेन फैब्रिक को थोड़ा बढ़ा कर लिया था और जो अस्तर का पीस है उसे मैंने जो है वो बिल्कुल बराबर से कट किया था, 4.5 इंच की लेंथ और विड्थ में। अब हमें यहाँ पर कॉर्नर्स को कट करने के बाद छोटे छोटे कट लगा देने हैं। इस तरीके से कट लगाने से क्या होगा कि अच्छे से पलट के फोल्ड हो जाएगा। अभी हमें इसे पलट कर सीधा करना है। तो अब हम यहाँ पर इसका सेंटर मार्क कर लेंगे। इसे डबल फोल्ड कीजिएगा इस तरीके से और यहाँ पर सेंटर में कट लगा लेंगे। हल्का सा एक कट लगा लेना है, उतना ही कट लगाना है जितना कि हम इसे आसानी से पलट लें। ये देखिए इस तरीके से अब हम इसे पलट कर सीधा करेंगे। ये देखिए, इसे पलट कर आपको इस तरीके से सीधा कर लेना है और इसके जो कॉर्नर्स हैं वो हम अच्छे से निकाल लेंगे। कैंची की नोक से या फिर कोई भी नोक वाली चीज़ से आप इसके कॉर्नर्स निकाल सकते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पर कॉर्नर इसके निकाल लिए हैं। चारों तरफ से अच्छे से हमें हल्का हल्का प्रेस करना है और कॉर्नर्स को निकाल लेना है। अब देखिए, हमारे पास ये पीस रेडी हो गया है। अब इस पर हम एक फिनिशिंग की सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से चारों तरफ से आपको इस पर सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाकर मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। अब इसका फिर से हमें सेंटर मार्क करना है। तो इसे इस तरीके से एक बार फोल्ड कीजिएगा, फिर से एक बार फोल्ड कीजिएगा। ये देखिए इस तरीके से, और सेंटर में हम एक मार्किंग यहाँ पर कर लेंगे। सेंटर मार्किंग करने के बाद इस पर आपको एक छोटा कट लगा देना है इस तरीके से। ये देखिए, कट मैंने लगा दिया है। ये कट मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि हम इसके अंदर डोरी डालेंगे। अब हमें देखिए यहाँ पर चारों तरफ प्लस में मार्किंग कर लेनी है। तो इस तरीके से आप मार्किंग यहाँ पर कर लें और स्केल से इस तरीके से इसे सीधा कर लें। ये मार्किंग आपको प्लस में कर लेनी है। एक मार्किंग हमने कर ली, फिर से इसे इस तरीके से फोल्ड कीजिएगा और दूसरी तरफ से मार्किंग कर लेनी है। ये देखिए, फिर से हम इस पर मार्क कर लेंगे। ये मार्किंग हमारी हो गई है। अब सेंटर में हम डोरी डाल लेंगे। तो डोरी मैं यहाँ पर रेडीमेड वाली ले रही हूँ। अगर आप चाहें तो डोरी आप बना कर लगा सकते हैं इस पर। और अब देखिए हमें क्या करना है, सेंटर से डोरी को इसके अंदर अटैच करना है। सेंटर से डोरी को हम इस तरीके से यहाँ पर डाल लेंगे और इसे फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से आपको एक बार फोल्ड करना है अच्छे से। दोनों तरफ से बराबर आना चाहिए और देखिए यहाँ पर ऊपर की तरफ से हाफ इंच नीचे की तरफ मार्क कर लेना है। हाफ इंच से ज़्यादा नहीं करनी है मार्किंग, सिर्फ हाफ इंच पर ही मार्क करना है हमें। और इस मार्किंग को डोरी वाली साइड मिला देना है इस तरीके से। ये देखिए, अब हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, आपको यहाँ पर सिलाई चला लेना है और डोरी के यहाँ पर आप अच्छे से पक्का कर लें।
मशीन को जब आप उतारेंगे तो वहाँ पर भी आपको इसे पका कर लेना है। तो ये पैटर्न हमारा इस तरीके से आ जाएगा। अब हमें सेम प्रोसेस दूसरी तरफ से भी कर लेनी है। फिर से इसे एक बार फोल्ड करेंगे और यहाँ पर फिर से एक बार इसे फोल्ड कर लेना है। फिर से देखिए हम हाफ इंच नीचे की तरफ मार्क करेंगे। ये देखिए इस तरीके से नीचे की तरफ हाफ इंच मार्क करने के बाद इसे इस तरीके से आपको मिला देना है ऊपर की तरफ और इस पर सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए इस तरीके से सिलाई लगाकर इसे हम पक्का कर देंगे और इसे पलट करके सीधा कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर पलट कर मैंने इसे सीधा कर लिया है। और अब देखिए मैं यहाँ पर मैंने एक और लटकन बनाकर रखी हुई है। अगर आप चाहें तो इसे सिंपल भी रख सकते हैं या फिर इसके नीचे आप जैसे छोटे छोटे घुंघरू आते हैं वो आप लगा सकते हैं या मोती या छोटी लटकन आप इसके अंदर लगा सकते हैं इसे फैंसी लुक देने के लिए। तो मेरे पास यहाँ पर छोटे छोटे मोती थे तो वही मैं इसके अंदर अटैच कर रही हूँ। तो सुई धागे की मदद से देखिए छोटा या बड़ा मोती आप अपनी पसंद से ले सकते हैं और इसके अंदर अटैच कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से अच्छे से आप मोती को पक्का कर लीजिएगा। ये देखिए इस तरीके से मोती को अच्छे से पक्का कर देना है और बाकी के पार्ट पर भी हम मोती अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको मोती अटैच करके दिखाती हूँ इसे कंप्लीट करके। तो देखिएगा ये पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है लटकन का तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।